हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेस्टी वाइट्स वर्चना और आज मैं पोहे से एक बहुत ही अच्छी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी पोहा तो आप सभी ने बनाया और खाया होगा लेकिन एक बार इसे भी ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं मैंने लिए हैं पोहे इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर भिगा कर रख देंगे साइड में जिससे कि ये भीग जाएँ और अब लिया है एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही दही और सूजी बराबर मात्रा में लेकर उसको मिक्स करेंगे और ऐसे साइड में थोड़ा गाढ़ा सा रखकर गाढ़ा सा मिक्स बनाएंगे और रख देंगे उसको इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा जिससे ये फीका फीका नहीं लगेगा सूजी अच्छे से जब फूल जाएगी तब उसके बाद इस पर हम काम शुरू करेंगे और सूजी फूल चुकी है तो उसमें जो पोहे हमने रखे थे भिगाकर वो भी बिल्कुल अच्छे से मैश होने लगे हैं तो उनको इसमें हम मिला देंगे पोहे को हमने सूजी में डाला है हरा धनिया डाला है ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर और जो भी मसाले अगर कुछ सब्जियां आप डालना चाहते हैं इसमें तो वो भी डाल सकते हैं जैसे कि हरी प्याज है और गाजर कद्दूकस करके आप वो भी डाल सकते हैं अच्छा लगेगा और इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप आपको अच्छा लगता है वो शेप आप इस तरह से तैयार कर लें आप सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं गोल में भी बना सकते हैं आप हार्ड शेप में भी बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह के शेप में आप इसको तैयार कर लें मैंने गोल शेप तैयार किया है पेड़े के जैसा और इन सब को बनाकर तैयार करके रख लेंगे हथेली पर थोड़ा सा तेल जरूर लगा लें जिससे कि ये चिपचिपा कम रहेगा और ये जब सारे बन जाएंगे उसके बाद हम दूसरा स्टेज इसका है कि इसको हम स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी अच्छे से बॉयल हो गया है अब चलिए ये हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो गई हैं तो देखिए ये पानी भी बॉयल हो गया है यहाँ रख दिया था मैंने पहले ही इस पर हल्का सा ग्रीस कर देंगे छलनी के ऊपर अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें आप बना लीजिए अगर नहीं है तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरह से रखकर सारी बॉल्स को हम स्टीम कर लेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इनको अच्छे से स्टीम करेंगे एक बार खोलकर देख लेंगे चेक करेंगे और अगर पलटने की नीड होगी तो एक बार पलट देंगे फिर इसको पांच मिनट तक कुक कर लेंगे इस तरह से ये अच्छे से स्टीम हो जाने चाहिए उसके बाद आता है इनको फ्राई करने का क्योंकि ऐसे नहीं अच्छे लगेंगे खाने में तो इनको फ्राई करते हैं कढ़ाई में ऑयल लिया है हींग जीरा और सौफ और कड़ी पत्ता राई डाल करके हरी मिर्च डाली है और ये बॉल्स भी हमने डाल दिए हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिलाएंगे बहुत बढ़िया सा कलर आने तक इनको अच्छे से भून लेंगे आप मैंने इसमें सफ़ेद तिल भी डाला है आप चाहें तो डालें और अगर नहीं चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं और ये लीजिए हमारा टेस्टी चटपटा सा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है इसको आप सॉस के साथ खाइए और आप चटनी के साथ खाइए आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में खाइए और नहीं तो आप कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं लंच बॉक्स में भी बच्चों के दे सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसी तरह की कुछ नई नई अलग अलग तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की मैं नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से देखिए ये हमारी पूरी प्लेटिंग हो गई है और ये बहुत ही बढ़िया लगे थे खाने में और ये बिल्कुल बाजार जैसा नाश्ता तो नहीं करूँगी कुछ अलग सा ही है बहुत टेस्टी सा इसे आप बनाइएगा ज़रूर और एक बार और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मैं आप मेंट का इंतज़ार करूंगी और देखिए इस तरह से ये रेडी है अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया जालीदार बना था अभी बहुत गर्म है और ये देखिए ये बनकर बिल्कुल बढ़िया सा नाश्ता हमारा रेडी हो गया है इसको आप बनाइए खाइए बच्चों के लंच में दीजिए और बहुत ही झटपट बनने वाला ये ऐसा नाश्ता है जो कि बहुत कम चीज़ों से बनता है तो चलिए अब आप भी बनाइए मैं चलती हूँ बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर मिलती हूँ